हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज सैटरडे का दिन है और मैं आज बहुत सारे गार्डनिंग के काम करने वाली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ आज आपको गार्डनिंग का आज एक तरह से व्लॉग दिखा देती हूँ अपना, कि मैं आज सारा दिन क्या क्या काम कर रही हूँ। तो ये देखिए, अभी मैं ये मेरा एक सिरेमिक पॉट था और इसमें मैं ये लगा रही हूँ, छोटे गमले में लगाई हुई थी कुछ कटिंग्स मैंने जीजी प्लांट की, और अब ये बड़ी हो गई हैं तो अब मैं इसमें गमले में लगा रही हूँ और इनको इंडोर रखूँगी। पहले इसमें मैंने एग्लोनीमा लगाया हुआ था और अब मैं सोच रही हूँ, ये देखिए लियो को देखिए कैसे ये साथ साथ घूमता रहता है जब तक आप काम करते हो, मिट्टी में बैठेगा। और ये कुछ अडेनियम्स हैं, इनको मैंने इनके ये पॉट में से निकाला है बाहर और इनको मैं एक दो दिन की अब धूप लगवाऊंगी और आपको बताऊंगी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के कि मैंने इनको क्यों निकाला है, और उस पर अलग एक वीडियो बनाते हैं, उस पर बात करेंगे। और इनको सारों को मैं एक दो दिन रखूंगी और फिर इन पॉट्स को भी दोबारा से कुछ करूँगी, मैं आपको बताऊँगी फिर, और इसकी मिट्टी फेंक दूंगी और नई मिट्टी अब इसमें मुझे डालनी है, तो वो उस पर बात करेंगे हम लोग। तो ये सारा काम आज मेरे पास पड़ा हुआ है, सारी मिट्टी को हटाऊंगी और अभी मैंने ये अडेनियम्स निकाले हैं सारे, और ये देखिए ये महाराज बीच में घूमते रहते हैं और बदमाशी पूरी रहती है बीच में, सारा इसका वो रहता है, इंस्पेक्शन रहता है सारा, जैसे छोटे बच्चे बदमाशी करते रहते हैं ना। ये देखिए ये छोटी सी छोटी वैरायटी आगे उसकी है, एलोवेरा की ड्वार्फ वैरायटी है, इसका एग्जैक्ट नेम मुझे पता नहीं है लेकिन ये ड्वार्फ एलोवेरा की वैरायटी है। ये इसमें ये मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं जगह जगह लगाए हुए हैं। और ये देखिए ये काम भी है आज मेरे को, ये मैंने अडेनियम्स की कटिंग करी थी और उनको मुझे लगाना था लेकिन देर हो गया, ये ओवर ड्राई हो गई हैं। मेरे पास में जैसे मैंने कहा मकान बन रहा है तो क्या होता है, ये सारा दिन सीमेंट वगैरह फेंकते रहते हैं, पानी फेंकते रहते हैं, तो मैं इस मिडिल वाली छत पे आजकल कम आ रही हूँ, पौधों की केयर भी नहीं हो पा रही, सीमेंट गिरता रहता है इन पे। तो ये एक बार फिनिश हो जाए इस तरफ से फिर मैं अच्छी तरह से इस गार्डन को करूँगी। ये देखिए ये सारी कुछ इनमें से जो थोड़ी बहुत रह गई हैं हरी उनको करूँगी, बाकी ये सीड्स काम में लूँगी। देखिए ये फिर बदमाशी कर रहा है मेरे हस्बैंड, आज गमलों को थोड़ा रंग कर रहे हैं और ये तो साथ में घूमता रहता है। तो रंग का सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो आप कोई भी रेड कलर कर लो, मैं तो कोई भी रेड कलर कर लेती हूँ, जो प्लास्टिक बेस रेड एक्सटीरियर में जो घरों के बाहर पेंट करते हैं ना, जिन पे पानी वानी का कोई असर नहीं होता, किसी भी कंपनी का ले लें आप, रेड कलर का लें, मैं किसी कंपनी का भी ले लेती हूँ, कोई स्पेसिफिक नहीं लेती हूँ कि मुझे यही लेना है, लेकिन वो लेती मैं रेड ही हूँ, तो वो रेड कलर कर लें आप कोई भी, ऐसा मैं किसी एक का मेंशन नहीं करना चाहती, जो मेरे हाथ आता है मैं रेड कलर जाके ले आती हूँ, लेकिन लाती एक्सटीरियर का हूँ, तो जिससे कि पानी लगने से वो बार बार उतरता नहीं है। तो ये देखिए ये बदमाशी, और ये सारी छत गंदी हो रही है, ये पीली पीली हो रही है क्योंकि ना एक तो ये गंदगी फेंकते हैं और दूसरा ही कल रात को मेरे हस्बैंड ने वो गोबर वाली जो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ वो देती दी थी, तो वो मिट्टी तो ऑलरेडी ये लोग फेंकते रहते हैं और ऊपर से ये ब्राउन ब्राउन गिरी हुई है, तो ये छत और गंदी लग रही है। ये भी एक मेरा काम है आज, इसको भी धोना है क्योंकि आजकल मेड हमारे यहाँ नहीं है, कोरोना के कारण हमने अभी कुछ नहीं लगाया हुआ, तो मैं फिर हम सब इसको भी धोएंगे। देखिए कितनी गंदगी हुई हुई है, पत्तियाँ वगैरह पौधों की मैं जो भी ड्राई हो रही हैं, वो मेरा काम रहता है सैटरडे को, जो भी पत्तियाँ ड्राई वगैरह होती हैं उनको मैं निकालती रहती हूँ, मुझे जो दिखती रहती है उसको मैं साथ के साथ निकालती रहती हूँ और पत्तों को क्लीन करती रहती हूँ, जो मिट्टी पे ब्राउन जो सूखी हुई पत्तियाँ गिरती रहती हैं उनको निकालती रहती हूँ मैं, तो और रिपॉटिंग जिसको चाहिए वो करती रहती हूँ। ये देखिए ये ड्राई पत्तियाँ इसकी, इन दिनों क्या है पेंडानस की पत्तियाँ बहुत ड्राई होती हैं,
वो मैं बहुत निकालती हूँ। देखिए कैसे खाद गिरी हुई है नीचे, मिट्टी मिट्टी के ऊपर ये खाद ब्राउन ब्राउन पानी लिक्विड क्या होता है नीचे से एक्स्ट्रा डाल देते हैं तो वो नीचे से बह जाती है। मैं इन लोगों को मना करती हूँ एक्स्ट्रा मत डाला करें, पर बस इनको आदत है, मेरे हस्बैंड ज़्यादा डाल देते हैं तो ये वेस्ट हो जाती है। एक्चुअली नीचे से निकलनी नहीं चाहिए, कम ही डालें क्वांटिटी में तो अच्छा रहता है। और ये देखिए ये सूंघता रहेगा सारा टाइम, इसको बड़े मज़े आते हैं। सैटरडे संडे जब हम गार्डनिंग के काम करते हैं और फैला रहता है घर, ये देखिए कैसे सीमेंट गिराया हुआ है इन्होंने। अब मैं इनको धोएंगे ना फर्श को तो पानी दूंगी, पौधों को नहलाऊंगी। कई दिनों से कर रही हूँ, एक एक थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ साफ होंगी। अब ये देखिए मैं आ गई बाजार, हमारे घर के पास जगतपुरा में एक दुकान है, वहाँ से अब मैं ये थोड़े से सोच रही हूँ सीड्स ले जाऊँ। वैसे गर्मियों के मैं सीड्स कम लगाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। छत पे मेरा गार्डन जो है वो आपको ज़्यादातर मैं टेरेस में ही गार्डनिंग करती हूँ, और धूप हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है तो धूप होने से क्या है कि वो लगते नहीं हैं अच्छी तरह। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि ये देखिए इनके ये वो वर्मी कंपोस्ट भी पड़ी हुई हैं, और मैं सोच रही हूँ कि कुछ सीड्स ले लगाऊंगी इस बार। और ये देखिए ये है डेनियम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाए थे। अब इनमें क्या होता है कि ये छोटे छोटे जो आपको हेयर दिख रहे हैं ये एक डिस्पर्सल के लिए होते हैं। सीड्स जब बनते हैं तो प्रकृति ये चाहती है कि वो फैलें सारे दूर दूर तक जाएं, तो उसके लिए इनमें बाल होते हैं, छोटे छोटे हेयर हैं ये, और ये हेयर से ये उड़ उड़ के दूर दूर तक जाके ताकि वेजिटेशन जो है वो ज़मीन पर दूर दूर तक फैले। अब हमें जब इनको उगाना है तो अब हम इन बालों को हटा देंगे। बालों को जब हम हटा देंगे ना जो तो इतना सारा दिख रहे हैं ना आपको बीज, ये थोड़े से ही रह जाएंगे। इनको मैं सारों को हटा के और नॉर्मल मिट्टी लूँगी, आधी मिट्टी आधी सैंड, और इसमें इन सारे सीड्स को लगा के और ऊपर से एक पतली लेयर जो है देखिए मिट्टी की लगा दूंगी। अब ये जो वाइट वाइट आपको मिट्टी में दिख रहा है ये परलाइट है, थोड़ा सा परलाइट इस मिट्टी में था तो वो है परलाइट, थोड़ा सा मॉइस्चर को होल्ड करेगा तो उससे। और ये देखिए ये मैं कटिंग लगा रही हूँ चाइनीज़ वॉयलेट की। और अब ये क्या है कि कुछ मैंने कटिंग्स लगाई हुई थी स्नो बुश की, पतली पतली कटिंग्स मैंने जुलाई में लगाई थी, और अब ये सारी कटिंग्स में देखिए रूटिंग हो गई है। कितनी ज़्यादा रूटिंग हो गई, मैंने एक साथ खूब सारी कटिंग्स लेके एक ही जगह लगा दी थी ऐसे, तो अब इनमें रूटिंग हो गई है और सारी जड़ें देखिए इनकी आपस में गुथ गई हैं। तो इनको मैं अलग करके और सोच रही हूँ इस वाले पॉट में एक फॉरेस्ट टाइप बनाने की कोशिश करूँगी। तो इन कटिंग्स को सारों को ये वाला जो पॉट ट्रे जैसा पॉट है इसमें मैंने मिट्टी डाली है। इसमें भी देखिए कुछ मेरी मिट्टी ऐसी पड़ी थी जिसमें मेरे परलाइट मिला हुआ था, थोड़ा सा वर्मिकुलाइट और परलाइट। आपको मिट्टी नॉर्मल लेनी है, एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा सैंड वो लेके। अब देखिए ये सारे इनकी थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा जड़ें हटा के और इन सारे स्नो बुश के प्लांट्स को मैं ये देखिए ये लगा रही हूँ, मैं सारे लगा दूंगी इसको और फिर ऐसे पड़े रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा जैसे एक साथ थे तो इनकी ये पतली रह गई, अब थोड़ी स्टेम्स इनके मोटे होंगे, दूर दूर लगा दिया मैंने। और इसकी मिट्टी में खाद भी है और इसको मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र भी वीकली देती रहूँगी तो ज़्यादा खाना अच्छा मिलने से ये ट्री। और फॉरेस्ट पे भी मैं सोच रही हूँ एक वीडियो बनाऊँगी कि फॉरेस्ट किस तरह से हमें अगर फॉरेस्ट बनाना है तो जो पौधे हैं उनको कैसे लगाना चाहिए, है ना, कि वो फॉरेस्ट फॉरेस्ट दिखे। इस पे भी मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगी, अभी तो ये पतले पतले दिख रहे हैं आपको। तो गार्डनिंग वर्क्स तो बहुत है पर दिन छोटा पड़ जाता है, और अब 3-4 बज गए हैं और खाना वाना भी बनाना है। तो फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ मैं अपने
व्लॉग्स आपको बनाना शुरू करूँगी कि मैं रोज़ फ्री होके जो एक दो घंटा अपने गार्डन में देती हूँ, मैं क्या काम करती हूँ। अब और मैं अपने आप को कैमरा में भी फेस करूँगी, कैमरा भी। मैं अभी थोड़ी सी कैमरा शाय हूँ और थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती हूँ कैमरे के आगे आते ही, तो मैं थोड़े दिनों में आदत पड़ेगी तो आपसे फेस टू फेस आई कॉन्टैक्ट बात करूँगी और आपसे गार्डनिंग रोज का भी बताऊँगी, ये कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।